हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 नेचुरल डिज़ास्टर्स। उसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, किसके कारण होते हैं भूकंप, क्यों आते हैं वो पढ़ते हैं। वी लिव ऑन द टॉप सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, हम सबसे ऊपर की सतह पे रहते हैं जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो अर्थ की क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं वो छोटी और बड़ी प्लेट्स से बनी हुई है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। द लेयर ऑफ अर्थ बिलो दीज प्लेट्स आर वेरी हॉट एंड इन ए मोल्टन स्टेट। इस लेयर के नीचे की जो प्लेट्स हैं या नीचे की जो स्टेट है वो अर्थ की कैसी है कि बहुत ही गर्म और पिघली हुई अवस्था में है। इट इज़ कॉल्ड मेंटल, उसे बोलते हैं मेंटल, एंड इज़ मोस्टली मेड ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो गर्म हैं और पिघली हुई हैं जिसे मैग्मा बोलते हैं। द लेयर अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट वेरी लो स्पीड। और जो क्रस्ट है सबसे ऊपर का पार्ट, उसके नीचे की मेंटल लेयर है, वहाँ पिघली हुई जो चट्टानें हैं वो हिलती रहती हैं या मूव करती रहती हैं धीरे धीरे। नॉर्मली सच मूवमेंट मेक द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। तो ऐसी मूवमेंट है उससे प्लेट्स हैं जो जिस पे हम रहते हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, एक दूसरे पे स्लाइड होती रहती है। और एट टाइम्स द मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन गिविंग राइज टू शेकिंग ऑफ अर्थ। कभी कभी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है या तेज हो जाती है तो जो सरफेस है अर्थ का वो हिलने लग जाता है। एज ए रिजल्ट ट्रेमर्स आर फेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक इज सेट टू हैव अकर्ड। पहले से ही पता लग जाता है कि झटके आने लग जाते हैं तो कि भूकंप आ सकता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ से वो जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। द अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है कि जो भूकंप आ रहा है उसकी कितनी पावर है। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर इन 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने ये बनाया था, इसलिए इसी के नाम पे ये पड़ा है रिक्टर स्केल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 to 10 और इस पे 1 to 10 तक की वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग भूकंप को मापा जाता है। द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1 or 2 आर वेरी माइल्ड, जो 1 और 2 जिनकी पावर 1 और 2 होती है स्केल पे वो ज़्यादा नहीं होते और कभी कभी पता भी नहीं चलता इनके बारे में। दोज बिटवीन मैग्नीट्यूड 3 और 4 आर वीक, 3 और 4 जिनकी वैल्यू होती है वो वीक होते हैं, थोड़ी बहुत हिलती है और पता लग सकता है कि हाँ धरती हिली है। द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 6 आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो 5 और 6 वैल्यू के होते हैं वो बहुत ही नुकसान वाले होते हैं। हाउएवर अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड अबोव 7 आर हाईली डेंजरस, और जो 7 या 7 से ऊपर के हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं एंड कॉज मेजर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे जीवन को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ पे। द साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट, जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं जो वैज्ञानिक उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। देन ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हेन द अर्थक्वेक में अकर सो दैट पीपल गेट टाइम टू मूव टू सेफर प्लेसेस, तो वो क्या करते हैं अर्थक्वेक के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में या आने वाले इतने घंटों में अर्थक्वेक आ सकता है, तो बता भी देते हैं कि इस जगह पे ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ के लोग सेफ जगह पे जा सकते हैं। सेफ्टी टिप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम कौन से टिप्स, कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। व्हेन एन अर्थक्वेक इज फेल्ट, जब महसूस हो कि भूकंप आ रहा है, वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउस और स्कूल बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग से चाहे वो स्कूल की हो या घर की हो बाहर आ जाना चाहिए। एंड रश टुवर्ड एन ओपन एरिया, खुली जगह में जाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो आस्क एंड हेल्प अदर पर्सन टू कम आउट, दूसरे लोगों को भी हमें बाहर आने के लिए कहना चाहिए। इफ़ वी आर अनएबल टू कम आउट, अगर हम बाहर नहीं आ सकते, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बाय हिडिंग अंडर स्ट्रॉन्ग टेबल और स्टेयर्स, तो हमें मजबूत चीज़ जैसे कि टेबल है या फिर सीढ़ियाँ मजबूत हैं उनके नीचे बैठ जाना चाहिए ताकि अगर कोई चीज़ या बिल्डिंग भी गिरती है तो हमें नुकसान ना हो।
अवॉइड स्टैंडिंग अंडर फैन, फैन के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। नियर विंडो, विंडो के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। कैबिनेट्स और बुक शेल्फ, इनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ये सब गिर सकते हैं। व्हेन यू आर आउटसाइड, जब आप बाहर हो, डू नॉट स्टैंड नियर बिल्डिंग्स, किसी भी बिल्डिंग के पास या पोल, खंबे के पास या अंडर ट्रीज, पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। व्हेन द अर्थक्वेक स्टॉप, जब भूकंप रुक जाए, डू नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इमिडिएटली, उसी टाइम किसी भी बिल्डिंग में मत जाइए। देयर इज़ ए ऑलवेज ए डेंजर ऑफ डैमेज पोस्ट फॉलिंग लेटर, हो सकता है कि किसी में दरार आ गई और वो बिल्डिंग बाद में गिरे, तो थोड़ी देर बाहर खुले में ही रुकना चाहिए। वोल्केनोज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको इतना चैप्टर रीड करना है और पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो।